फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अभी जो है घर जा रही हूँ, मतलब मेरे ससुराल जा रही हूँ मायके से। कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है तो उसके लिए सॉरी। और अभी ना इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप लोग देखो। और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी हस्बैंड और बाबू का, तो मेरे भैया बाइक से छोड़ने आए थे दोनों को, तीन लोग एक साथ नहीं आ पाते, तो मैं साइकिल से आ गई थी बाज़ार। और पापा आएंगे तो साइकिल ले जाएंगे, और बाबू और मेरे हस्बैंड आ गए थे बाइक से। अभी जो है हम बस स्टैंड पे खड़े हो जाएंगे बस के लिए, और हमारे घर तक जो है ऑटो वगैरह नहीं जाता है तो हमें बस से जाना पड़ेगा। और ये है हमारा जो फूफा का लड़का, तो भैया जो है हमें ड्रॉप करने आए थे यहाँ पे, तो वही भैया से जो है बात करने लग गई थी कि हमारे घर पे आ जाना कभी मौका मिले तो, क्योंकि भैया काम पर बिजी रहते हैं ना तो ऐसे नहीं आ पाते हैं। तो चलिए उस साइड पर जाते हैं, रोड क्रॉस करके उस साइड पर जाते हैं, जाके थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम हम बाज़ार में आके पहुँचे ना उसी टाइम एक बस जो है चला गया है। अब जो है 10-15 मिनट बाद ही दूसरा बस आएगा, फिर हम लोग बैठ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर तक हमें वेट करना नहीं पड़ा, तुरंत बस आ गया और हम लोग बस पे बैठ के जो है घर पहुंच गए थे। और घर पहुंचने के बाद 2-3 दिन बाद सब लोग सबसे मिले ना, तो सबसे बात करते हुए कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। अब जो है 7:30 बजे का टाइम है, तीनों लोग बैठ के यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। एक है मेरे छोटे नंद का लड़का, और एक है पड़ोस की एक मतलब भाभी है उनकी लड़का है, यहाँ पर जो है पिक्चर वगैरह कलर वगैरह कर रहा था। तीनों लोग बैठ के कलर कर रहे थे, और मैं यहाँ पर मम्मी के रूम में ना खिड़की खुली हुई थी तो वो बंद करने में आ गई थी। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, खिड़की बार बार खोल रही है बंद हो रही है, इससे ना खिड़की टूटने का संभावना है, तो मैंने बंद कर दिया। और शाम के टाइम मैंने पूजा कर ली है और खिड़की वगैरह बंद कर दिया सारे रूम का। और देख लीजिए आज हमारे घर पर क्या बना है लंच में। तो लंच में दीदी ने बनाया था आलू पनीर की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी। आज शनिवार है, हमारे घर पर पूरा टोटल वेज है, तो इसीलिए कोई नॉनवेज नहीं बनाया है आज। और क्या है क्या नहीं है सब कुछ देखने के बाद, यहाँ पे मम्मी जो है इस टाइम पे ना, जब बरसात के टाइम पे, बारिश के टाइम पे हमारे घर पे छत्तू ज़रूर बनती है, बहुत सारी चीज़ों से बनाया जाता है छत्तू। तो वही प्रिपरेशन यहाँ पे मम्मी जो है आफ्टरनून में बैठ के किया था, वही छत्तू जो है मैं इस हांडी में, बड़ा बड़ा जो हांडी है इसमें मैं रख रही थी, क्योंकि छत्तू जो है ना बारिश के टाइम पर थोड़ा सा सिल जाती है, तो इसीलिए इसमें मैं रख रही हूँ ताकि अच्छे से मैं कवर करके ढक के रख सकती हूँ, ताकि जो छत्तू का जो पाउडर है वो सिल ना जाए, मतलब ख़राब ना हो जाए। और मम्मी मुझे कह रही थी कि ऐसे ऐसे करके रख दो ताकि ये ख़राब ना हो जाए, तो मैं वैसे वैसे कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऐसा है ना तो मुझे पता नहीं है। जब मम्मी घर पे हैं सब कुछ मम्मी देखभाल करती हैं, मम्मी सब कुछ करती है, बस बता देती है ये कर दो, तो मैं वैसे कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो छत्तू का जो पाउडर है सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया हंडी पर, और थोड़ा सा नीचे गिर गया था तो मैं वो साफ़ कर लेती हूँ, और थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए ये छत्तू का पाउडर, और ये प्राय मतलब ऐसे 1.5 किलो करीब तीली है, तीली भी इस पर ऐड करेंगी मम्मी। और यहाँ पे रात में मैं चावल बनाऊँगी, तो यहाँ पे मम्मी जो है कट्टे से चावल निकाल रही हैं, चावल हम दोनों मिलके अभी जो है चावल साफ़ करने वाले हैं, क्योंकि मम्मी ना दिन में चावल वगैरह साफ़ करके रखती हैं। आज पता नहीं क्या हुआ, मम्मी के कमर में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, तो मम्मी कह रही इस वजह से मतलब बहुत सारा काम भी हो गया था घर पे, मैं भी नहीं थी, दोनों मिलके इतना सारा काम करने के बाद भी ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि ना इसमें बहुत ढेर सारा पत्थर वगैरह निकल रहा है अभी इस चावल में, तो इसलिए अच्छे से साफ़ करना बिनना भी ज़रूरी है। तो मम्मी को दिन में टाइम नहीं मिला, अभी जो है हम दोनों बैठ गए हैं चावल को साफ़ करने में, अच्छे से बिन लेती हूँ उसके बाद मैं चावल बनाऊंगी। और चावल खाते टाइम उसके दांत के नीचे पत्थर आ जाए ना तो बहुत बेकार लगता है, खाना मतलब खाना खाने का मन ही नहीं करता है ना, इसलिए अच्छे से पहले से ही साफ़ करके रखना ज़रूरी है। और मम्मी जो है ना एक बार में एक कट्टा चावल साफ़ करके रख देती है, ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा निकाला साफ़ किया फिर बनाया, ऐसा नहीं करती, क्योंकि रोज़ टाइम नहीं मिलता है ना। ऐसा आप मान लो जल्दबाजी में अगर आपको चावल बनाना है तो आप थोड़ी ना उसे बिनने बैठोगे फिर बनाओगे, इसलिए पहले से साफ़ करके रखती है, सारा छोटा मोटा काम जो है घर बैठ के
मम्मी कर लेती हैं, एक बार में ढेर सारा चावल साफ़ करके रख लेती है ताकि जब बनाने जाओ तब साफ ना करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे सास बहू हम दोनों बैठ गए थे, बहुत ढेर सारा बातें कर रहे थे और साथ में चावल बिन रहे थे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है चावल साफ कर लेते हैं। Got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping you and I. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चावल साफ हो गया था, तो फिर मैं आ गई किचन में। तो मम्मी बोली तुम अभी जाओ किचन में, दूध रखा है दूध गर्म कर लो। अभी जो है मैं आ गई किचन में और इस रूम में जो है हम अभी जो है हम लोग खाना पीना बनाएंगे इस किचन में। पहले तो उस साइड पे बनाते थे, अब इसी में हम लोग खाना पीना सब कुछ बनाते हैं। और मम्मी कह रही एक चूल्हा भी बना देंगी साइड में, ताकि हर टाइम हम लोग जो है गाँव में ना गैस पर बहुत कम बनती है खाना, तो हम लोग गैस पर बनाते हैं लेकिन हर टाइम नहीं। तो चूल्हा रहता है तो घर पे इतना लकड़ी वगैरह है, चूल्हे पे खाना बहुत आसानी से बन जाता है। और यहाँ पे देखिए दूध जो लोग डेली दूध लेते हैं उनको दूध देने के बाद मतलब एक किलो करीब दूध बच गया था, वही दूध यहाँ पे मैं छान लेती हूँ, उसके बाद गर्म कर लूँगी। और थोड़ा सा दूध जो है बाल्टी में रह गया था, थोड़ा सा पानी देके उसे भी मैं यहाँ पे छान के दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए। मैं सोच रही हूँ बाबू तो रात में सब्जी से नहीं खाएगा, बाबू को दूध से ही जो है मैं खाना खिला दूँगी। और खिड़की इस साइड का जो खिड़की है ना वो खोल देती हूँ तो बहुत ज़्यादा हवा आती है और गैस उड़ने लगती है, खाना बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए पीछे का जो खिड़की है वो खोल के रखती हूँ ताकि जो है किचन में मुझे गर्मी ना लगे और खाना भी आसानी से बन जाए। अभी जो है रात के टाइम है, तो मुझे आप यकीन मानो तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, और मम्मी भी उस रूम में है और घर पर कोई नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इसीलिए मैंने खिड़की बंद करके रखी थी। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मतलब 3-4 आलू मैंने काट लिया है, तो थोड़ा सा मैं आलू बॉईल करने रख दूँगी। अगर कोई मतलब सब्जी से मुझे लगता है जितना थोड़ा थोड़ा सब्जी है इससे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा मैं सूखी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। और इस साइड पे बन रही इस साइड पे जो है दूध बॉईल करने के लिए मैंने रख दी है। और मम्मी जो है देखिए चावल क्लीन करने के बाद यहाँ पर अच्छे से साफ़ पानी से चावल को क्लीन करके देके गई है, ताकि पानी गर्म होने के साथ साथ मैं चावल डाल दूँ और चावल जल्दी बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। घर आने के बाद इवनिंग कहने के भी टाइम नहीं मिला मुझे, मतलब इतना काम का भी प्रेशर नहीं है। मम्मी थोड़ा बहुत काम कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, और मैं घर आने से पहले ही सारा काम हो चुका था। तो बस मैं यहाँ के थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया मम्मी का, और यहाँ पे मैंने डिनर के लिए एक साइड पे चावल के लिए पानी रख दिया गर्म होने के लिए, और एक साइड पे दूध। जो सब्ज़ी आज बना है घर पे वो सब्ज़ी से बाबू चावल नहीं खा पाएगा, नहीं खाएगा वो, नहीं खाना नहीं चाहता है, अभी की सब्ज़ी नहीं खाना चाहता है, पनीर भी पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने ये सोचा दूध से उसे चावल मैं खिला दूँगी रात में, उसी से उसका अच्छे से डिनर हो जाएगा। तो इसीलिए एक साइड पे दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और एक साइड में जल्दी चावल बना लेती हूँ। और दोपहर में बाबू नहीं सोया है, तो 8 बजे से पहले बाबू सो जाता है, और आज अभी जो है 8 बज गया है और बाबू जो है मुझे बुला रहा है, मम्मी आ जाओ मुझे सोना है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी चावल बन जाए। और इस साइड का जो चूल्हा ना वो ख़राब हो चुका है, बहुत धीमी आँच निकलती है उससे, तो इसलिए इस साइड पे मैंने चावल रख दिया बनने के लिए, ताकि चावल बहुत जल्दी पक जाए और बाबू को मैं खिला सकूँ। और ये देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि अंगोछा किचन में क्यों है, ये ना हमें जो है किचन में हम लोग यूज़ करते हैं हाथ वगैरह पूछने के लिए, कि हल्दी सब्जी में ऐड करने के बाद, कोई मसाला ऐड करने के बाद हम ना ऐसे मैक्सी में या फिर साड़ी में हाथ से हाथ पोछ लेते हैं। इसीलिए ये वाला अंगोछा हम यहाँ पे रखते हैं हाथ पोछने के लिए, ताकि कपड़ा ख़राब ना हो जाए। जिस टाइम हम लोग घर आए थे उसी टाइम पे जो है दीदी चली गई थी बाज़ार पापा के लिए मेडिसिन लाने, और आते टाइम लेके आई गोलगप्पा, जो कि कलकत्ता की बहुत ही ज़्यादा फेमस है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और बाबू देखिए कैसे खा रहा है, और देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कितना ज़्यादा टेस्टी है, ये देखो। और वीडियो एडिटिंग करने के टाइम पर मेरे मुँह में बिल्कुल पानी आ गया था वीडियो एडिटिंग करते हुए। और यहाँ पर जो है हम लोग बहुत मज़े से गोलगप्पा खा रहे थे, उसके बाद पापा घर आए और सब लोग मिल के हम लोग जो है डिनर कर चुके थे, और डिनर करके सब लोग जो है बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, और मैं जो है फ्रेश होके अपने रूम में आ गई थी अपना नाइट स्किन केयर करने। तो मैंने पहले जो है फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ
जो है एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल। पहले मैं हिमालय का एलोवेरा जेल यूज़ करती थी तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने इस बार पतंजलि का एलोवेरा जेल ले लिया। हिमालय का एलोवेरा जेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और पहले मैं फेस क्रीम, नाइट क्रीम यूज़ करती थी, तो मुझे लगता है नाइट क्रीम से फेस, मतलब स्किन को बहुत ही ज़्यादा, स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो इसीलिए मैंने अब जो है एलोवेरा जेल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो है देखो मेरे स्किन केयर रूटीन हो गया है, अब मैं जो है हेयर को अच्छे से हेयर को सेट कर लूँगी और चली जाऊँगी आराम करने, और फिर कल से मेरा फिर से जो है रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, घर का काम जो कामकाज का रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मेरे बाबू भी सो गया है देखिए, तो चलिए फिर से मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।